शहर में स्कीम नंबर 2 में हमला कर गाड़ी में तोड़फोड़ करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खन्ना स्कूल के पास 8 अप्रैल को इन आरोपियों ने परमीत छिल्लर और उसके साथियों के साथ मारपीट की थी। वहीं उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक अजय कुमार ने बताया कि हमले की घटना के बाद से इनकी तलाश जारी थी। आरोपियों में 60 फीट रोड का जावेद भुल्लाकाबास निवासी वसीम खान टिटोड़ा मोहल्ले का और लवली और अमित शामिल है। साथ ही एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया गया है। उन्होंने बताया कि गाड़ी पर हमला करने वाले लोगों का सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ था। वहीं घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। दिनांक 8/4/2021 को स्कीम नंबर 2 के अंदर कुछ लोगों ने परमीत छिल्लर व उसके साथियों पर हमला कर उसकी फॉर्चुनर गाड़ी को तोड़फोड़ की, जिस संबंध में थाना पर मुकदमा नंबर 376/2021 दर्ज हुआ था, जिसका अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। इस केस के अंदर दबिश लगाकर जो घटना में संलिप्त आरोपी थे, जिनमें जावेद खां निवासी 60 फुट रोड, वसीम खां भुल्लाकाबास, अमित सरदार टिटोड़ा मोहल्ला, लवली सरदार टिटोड़ा मोहल्ला को गिरफ्तार किया गया है।